नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं संतोष लर्निंग चैनल। जैसे कि दोस्तों आपको ज्ञात है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको आ बव के नियम के एग्जाम्पल समझाए थे, उसमें हुंड का नियम भी समझाया था दोस्तों। परंतु वीडियो में समय का अभाव रहने के कारण दोस्तों हम तुम्हें उनके कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा पाए थे दोस्तों। तो एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा उसके बारे में पहले बता देते हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तुम, ये एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, और इसमें लगभग सभी तत्वों के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए दोस्तों इसमें, ये देखिए, ये यहाँ पे ये एलिमेंट्स है और ये इनके एटॉमिक नंबर है। ये 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, इस प्रकार से इनके रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यदि आपको, वैसे तो हमने यानी काफी एग्जाम्पल तुम्हें इससे पहले वाली वीडियो में करा दिए थे दोस्तों, परंतु फिर भी अगर तुम्हें यानी और भी हर एलिमेंट का तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो मैं तुम्हें देखिए उपलब्ध करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप यानी इसे यानी देखिए दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा देखिए ऐसे, इसे आप देखिए, आप ये सभी यानी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए, इससे आगे जीनोन देखिए 54 तक आ गया दोस्तों, यहाँ पे XE54 तक लगातार है सभी के। और इसमें देखिए, यहाँ पर दूसरा देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी इसमें परछाई पड़ रही है दोस्तों। देखिए ये, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये CGM-55 से है दोस्तों। देखिए यहाँ पे CGM-55 से 56, 57 ये सभी है। और देखो इसमें हमने कुछ नहीं संशोधन कर रखे है दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि हमने अपनी तरफ से संशोधन किए हैं। ये तो है 11th की बुक एनसीईआरटी की, हमने एनसीईआरटी जो 12th की बुक होती है उससे संशोधन किया है इसमें। दरअसल हमने क्या माना है कि भाई जब भी चेंज होता है एनसीईआरटी में, हमेशा 11th में पहले होता है और फिर 12th में उसके बाद होता है। तो इसमें यानी लगभग जितनी भी ज्यादातर जो रिफाइननेस होती है, रिफाइन जो बुक होती है वो 12th की ज्यादा होती है, इसलिए हमने 12th की बुक के आधार पर इसमें जो कुछ संशोधन किया 12th की बुक के आधार पर रखी है हमने। ठीक है दोस्तों, देखिए ये, ये देखिए दोस्तों, ये सारे सारे आ गए दोस्तों। ये RG-111 तक आ गए दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, इससे आगे अगर तुम्हें, अगर मान लो तुम्हें आवश्यकता पड़ती है तो तुम इसमें इससे कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को। देखिए इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे दोस्तों, वो नोडल सरफेस या नोड्स, क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, ये लेकर चलेंगे दोस्तों। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले नोडल सरफेस या नोड्स लेकर चलते हैं। देखिए दरअसल क्या होता है दोस्तों, हमने तुम्हें ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बताई थी दोस्तों। पहले ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर हमने तुम्हें बताया था कि वह जो एस सब सेल होती है वह तो गोल आकार होती है, स्फेरिकल ऐसे। जो पी सब सेल होती है वो डम्बल के आकार की होती है ऐसे, ठीक है। और जो डी सब सेल होती है वो डबल डम्बल के आकार की होती है ऐसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये DXY हो गए। तो इसमें दरअसल क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होती है दोस्तों, ऑर्बिटल ये होती है कि भाई न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग 90% होती है, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं दोस्तों। परंतु इसमें ऑर्बिटल में कुछ स्थान ऐसे होते हैं फिर भी जहां पर यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूनतम रहती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, उसे हम नोड्स कहते हैं, नोडल सरफेस कहते हैं दोस्तों। देखिए हमने आपको एक बार पहले भी समझा दिया। देखिए इसके जो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्लेनर नोड्स और एंगुलर नोड्स। सबसे पहले नोडल्स की डेफिनेशन ले लीजिए आप, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसिस टू जीरो इज कॉल्ड नोडल सरफेस और नोड्स। यानी कि किसी ऑर्बिटल में के चारों ओर, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, सॉरी मैं दोबारा बता रहा हूं,
किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो हो जाती है, नोडल सरफेस कहलाता है। अब इसी प्रकार से चूंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं न्यूक्लियस के चारों ऑर्बिटल में, तो ये ऑर्बिटल में ही हम काउंट करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्बिटल का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मिनिमम होती है, जीरो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्लेनर नोड या एंगुलर नोड, और दूसरा होता है स्फेरिकल नोड, वो हम आगे चलाएंगे तुम्हें लेकर। तो प्लेनर नोड्स क्या होता है, इट इज इक्वल टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है उसी के इक्वल होती है ये। देखिए प्लेनर नोड्स और एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल। तो एग्जाम्पल देखिए, ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ एल, प्लेनर नोड्स देखिए यहां पर। तो इसमें देखिए तुम, यहां पर इसमें एग्जाम्पल में ऑर्बिटल में हमने लिया 1s, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, जीरो। हम पहले बता चुके तुम्हें भाई, देखिए चार तो प्रकार के हमारे होते हैं ऑर्बिटल। देखिए मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं आपको, यहां देखिए भाई चार प्रकार के देखिए ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, s p d f, जिनका हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो जीरो से गिनती गिनने शुरू करते थे, जीरो वन टू थ्री, तो ये तो होगी सबसे एल, और ये हो गया एल। तो एस के लिए तो एल की वैल्यू होती है जीरो, पी के लिए हमेशा वन होती है, डी के लिए दो होती है, और एफ के लिए होती है तीन, ये हमेशा होती है, ठीक है दोस्तों। और जो शुरू में लिखी जाती है इनके, जैसे वन एस टू लिख दें हम, तो जो शुरू में जो लिखी जाती है ये इनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है जिसे हम एन से प्रदर्श करते हैं, स्मॉल एन। तो जैसे मान लीजिए हम इसी के लिए लेने लग जाए, तो इसके लिए एन की वैल्यू तो हो गई कितनी, एन इजिकल टू तो हो गई एक, क्योंकि एक है यहाँ, और एल की वैल्यू हो गई जीरो। ऐसे होते हैं, हमने अवभव के नियम में भी आपको समझाया था ये, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अपनी बात को बढ़ाते आगे। तो इसमें देखिए तुम यहां पर, तो इसमें क्या है देखे यहां पर, पहले इस लीजिए यहां पर ऑर्बिटल, यहां पर ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ एल प्लेनर नोड। तो इसमें देखिए ऑर्बिटल क्या है, 1s, तो 1s के लिए वैल्यू ऑफ एल क्या होगी, एस के लिए हमेशा जीरो होती है, पी के लिए वन हो जाएगी, डी के लिए हो जाएगी दो, एफ के लिए हो जाएगी तीन, मैंने अभी बताया तुम्हें। तो एस की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या होगी एस के लिए, जीरो। तो प्लेनर नोड कितना हो गया यहाँ, जीरो। एस में यानी कि प्लेनर नोड जीरो होते हैं हमेशा, प्लेनर नोड से बोलते हैं एक प्लेन में होते हैं, जैसे कि ये पूरा पूरा एक प्लेन है, ये प्लेनर नोड हो गया, ऐसा नोड प्लेनर नोड कहलाएगा। और स्फेरिकल जो चारों तरफ को होता है, अभी समझाऊंगा तुम्हें चित्र में। तो 2s के लिए क्या होगा, यहाँ l की वैल्यू यहाँ भी जीरो ही है, तो यहाँ भी प्लेनर नोड जीरो। 2p की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ p के लिए वन होता है, तो प्लेनर नोड एक, यानी कि 2p में ऑर्बिटल में हमेशा प्लेनर नोड वन होगा। 3p में कितना हो जाएगा, यहाँ l की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ भी वन होती है, यानी कि चाहे 3p हो वैल्यू, चाहे 2p हो, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ वन होती है, तो हमेशा यानी प्लेनर नोड भी वन ही होगा, क्योंकि ये एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है दोस्तों। चलिए अब देखिए आगे लेते हैं, 3d के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, दो। तो इसमें प्लेनर नोड कितने होंगे, दो। देखिए दरअसल मैं तुम्हें फिर भी हल्का समझा दूं, देखिए ये देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाकर समझाई, देखिए एस तो गोलाकार होता है, तो उसमें कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं रहता, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होता जहां पर यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। जबकि पी में क्या है देखिए, यहाँ पे ये डंबल के आकार के होता है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो इसमें ये प्लेन ऐसा बन जाता है, ये वाला प्लेन, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाती है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेनर नोड बोलते हैं, प्लेनर नोड, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए यहां दो प्लेन हो गए ये, तो इसलिए यहां प्लेनर नोड कितने हो गए, दो। और यही बात हमने समझाई है तुम्हें, एफ में हो जाएगी तीन। तो देखिए पी में एक, डी में दो, और ये कैसे समझाए, देखिए डायग्राम में देखिए, यहां पर देखिए ये डायग्राम है, ये एस की ऑर्बिटल ली हमने, तो इसमें हमने तीन प्लेन बना के देखे, एक्स वाई जेड, परंतु यहां पर कोई भी स्थान ऐसा नहीं होता जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, क्योंकि स्फीयर में कोई भी प्लेन ऐसा नहीं बन सकता। तो इसलिए यहां पर प्लेनर नोड कितने हो गए, यहाँ प्लेनर नोड हो गए यहाँ कितने, जीरो, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जाइए यहाँ, ये होगी पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में ये वाला ऐसा प्लेन बनता है इसमें न्यूक्लियस में, कि जिसमें यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है हमेशा, तो इसलिए यहां पर इसका प्लेनर नोड कितना होगा, वन हो गया। और एल की वैल्यू भी कितनी होती है यहाँ, इसीलिए वन होती है, तो इसलिए एल की वैल्यू यहाँ वन है, तो इसलिए प्लेनर नोड भी वन हो गया। अब देखिए यहाँ डी में, तो डी में देखिए एक प्लेन ये होगा, एक प्लेन ये होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो है, भाई इलेक्ट्रॉन इन्हीं में तो पाया जाता है जहां तक हमने बाउंड्री रखी है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जीरो होगी, तो प्लेनर नोड कितने होंगे, दो होंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जितनी भी एल की वैल्यू होगी प्लेनर नोड उतने ही हो जाएंगे। अब आ जाइए रेडियल नोड, रेडियल क्या होता है, चारों तरफ को,
इसमें क्या होगा, इट इज कॉज ड्यू टू द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट इज कॉल्ड रेडियल नोड। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। अभी मैं चित्र के मैं समझाऊंगा तुम्हें। तो रेडियल नोड इक्वल टू क्या होगा, एन माइनस एल माइनस वन। तो जो उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें से हम क्या काम करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर माइनस कर देंगे और साथ में एक यानी कि वन और माइनस करेंगे, तो जो संख्या बच के आएगी वो उसके रेडियल नोड से निकल कर जाएगी। एन इजिकल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इजिकल टू इजिकल एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखिए यहां पर देखिए 1s, तो यहां पर क्या है देखिए 1s, देखिए ये हो गया यहां पे 1s। थोड़ी वीडियो एडजस्ट करिए दोस्तों। 1s में क्या होगा, देखो यहां n की वैल्यू 1, ठीक है दोस्तों, और यहां पे वैल्यू ऑफ l कितनी होगी, 0। भाई देखिए n की वैल्यू तो होगी देखो यहां पे 1, और n इजिकल टू 1 क्योंकि यहां 1 लिखा हुआ है, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अब इसमें से क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, एन माइनस एल माइनस वन, यही तो होता है रेडियल नोड्स। तो देखिए ये रेडियल नोड्स इजिकल टू एन माइनस एल माइनस वन, तो वन में से 0 गई क्योंकि l की वैल्यू यहां 0 हो गई, फिर हमने माइनस वन करा तो क्या रहेगा यहां पे, 1 माइनस 1 इजिकल टू 0 ही रहेगा बस यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2s के लिए n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 0, तो n माइनस एल माइनस 1, एन 2, l की वैल्यू 0, 2 माइनस 0 माइनस 1, 2 माइनस 1 रह गए, तो 2 माइनस 1 इजिकल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यानी कि यहां पर 2s में रेडियल नोड कितना होता है, वो 1 होता है। तो इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे देखिए, हम जैसे मान लीजिए ये s की ये ऐसे ऑर्बिटल थी, देखिए यहीं पे बना रखी है मैंने पहले, तो इसमें कुछ ऐसा स्थान रह जाएगा देखिए यहाँ पे बीच में ऐसा, कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहेगी। जैसे ये स्थान है, ये स्थान ऐसा हो गया यहाँ 2s में, 1s में नहीं हो गए, 2s में ऐसा स्थान हो गए जहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 रह गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडियल नोड कहेंगे, रेडियल नोड ये कहेंगे इसे, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते देखिए, इसी प्रकार से देखिए 3s में, 3s में कितने हो जाएगा रेडियल नोड, 2, 3s में 2 हो जाएगा रेडियल नोड, 4s में इसी प्रकार से 3, p में 0, 2p में, 3p में 0, और 3d में 0, और 4d में 1, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नोड्स कितने हो गए दोस्तों, यहाँ टोटल नोड्स क्या हो गए, एंगुलर नोड्स, ये जो तुम्हारा रेडियल नोड्स है, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स यानी कि प्लेनर नोड्स दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए रेडियल नोड्स कितने हो गए यहाँ, एन माइनस एल माइनस वन, ये तो हो गए यहां से यहां तक रेडियल नोड्स, और ये हो गए प्लेनर नोड्स, दोनों को जोड़ दिए। तो दोनों को जोड़ने पर क्या हुआ, प्लस का एल हो गया माइनस का एल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो एन माइनस वन रह गया। तो अगर टोटल नंबर ऑफ नोड पूछने लग जाए तुमसे तो एन माइनस वन होते हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि एंगुलर यानी कि प्लेनर नोड पूछने लग जाए तो एल के बराबर होते हैं, और यदि रेडियल नोड पूछने लग जाए तो एन माइनस एल माइनस वन होते हैं। तो इसी प्रकार से निकाल लेंगे हम, जैसे हमने एग्जांपल में दिखाने की कोशिश की है। तो देखिए 2s ऑर्बिटल, तो 2s में क्या होगा, देखिए यहां पर टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, यहां टोटल नोड्स हो जाएंगे 2 माइनस 0 माइनस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहां पे 1 हो गया, यानी कि क्योंकि ये रेडियल नोड निकल का आया, जो टोटल नोड निकल का आया रेडियल नोड निकल का, क्योंकि 2 माइनस 1 इजिकल टू 1, ठीक है, क्योंकि एल तो इसमें 0 होगी, तो इसलिए प्लेनर नोड तो इसमें होते नहीं है, बस केवल रेडियल नोड्स ही होते हैं, वही टोटल नोड्स आ गए यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ पर, देखो ये नोड्स हो गए, ये पूरी पूरी ये हो गई, ये नोड्स हो गया। एक बात ध्यान रखना, ये हमने 2s का बनाया है डायग्राम, तो अगर 1s का बनाएंगे तो केवल ये डायग्राम यहां से लेकर यहां तक रहेगा, तो इसलिए यहां तक कोई ये 1s का ऑर्बिटल है, कोई नोड्स नहीं है। फिर जब 2s बनाएंगे हम तो कुछ स्थान छोड़ गए, उसमें फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टार्ट होती है, तो बीच का जो रिक्त स्थान है ये रेडियल नोड्स कहलाता है। और यदि 3s बनाएंगे हम, 3s, तो फिर वो कुछ स्थान छोड़ गए, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टार्ट होती है, तो उसमें दो नोड्स बन जाते हैं। तो देखिए हम चित्र में तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, देखिए ये है दोस्तों, देखिए यहां पर ये देखो यहां पर दोस्तों, ये यहां पर देखो, तो इसमें देखिए दोस्तों यहां पर ये हमने 1s और ये 2s दिखाई है, देख दोस्तों ये न्यूक्लियस का पोर्शन हो गया, और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई, फिर खाली स्थान, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई। तो इसलिए इसमें क्या दिखाया हमने, यहां s में 1s में 2s में हमने चित्र बना के दिखाया यहां पर। एक बात और देखिए, देखिए यहां पर हम जो रेडियल प्रोबेबिलिटी शो करते हैं वो इस चित्र के द्वारा करते हैं, देखिए यहां पर
हमने तुम्हें पहले बताया था, देखो दोस्तों ये वाला है, देखो चित्र में ये वाला, यहाँ पे इस वाले चित्र को देखो, ये साई 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 साई। तो देखिए जब हम इधर से इधर चलिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताता है कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन की स्थिति मिलती है। तो देखिए इसमें कहीं से कहीं तक भी जाकर जीरो नहीं हो रही है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें इसमें नोड्स कोई नहीं है इसमें। तो यहाँ पे ये नोडल स्पेस हो गया, एक नोड यहाँ मिला, इसमें दो देखो जीरो पर, ये यहाँ पे पॉइंट पर जीरो हो जाती है। तो एक गिरा एक गिरा, यहाँ पे दो नोड हो गए। तो इसी प्रकार से देखे तुम, यहाँ पर हमने ये दिखाई है, देखे यहाँ पर ये इस चित्र को देखिए आप, ये वाला चित्र दोस्तों, ये वाला चित्र देखे दोस्तों, हमने ये दिखाने की कोशिश किया। देखे तुम्हें इस चित्र में, देखे यहाँ पर, ये देखे यहाँ पर, ये 1s के लिए बनाया है। देखे यहाँ एक भी नोड नहीं दिखा रखा है हमने यहाँ बुक में, इसमें जब एक भी नोड नहीं दिखा रखा है क्योंकि पेंसिल से इतना साफ चित्र नहीं बनता था। हमने n इजिकल टू 1, l इजिकल टू 0 1s के लिए बनाया। तो 1s के लिए जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, देखिए ये हमने साइन स्क्वायर और r के बीच में बनाया। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी बताता है, फाइंडिंग ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये देखो ग्राफ की ऊंचाई बिंदुओं के घनत्व को प्रदर्शित करती है। हिंदी में लिख रहा, कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो एडजस्ट कर लेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये 2s दिखाया हमने। तो 2s में कितने कितने नोड्स मिलते हैं, नोड्स की क्या संख्या है इसमें, n माइनस l माइनस 1, ये होते हैं रेडियल नोड। तो देखिए इसमें कितना होगा, यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 में से ये 0 गई और माइनस 1, तो 2 में से 1 गया, तो 1 बच गया। देखो यहाँ एक ही नोड है, देखिए, और वो नोड कौन सा बता रहा है ग्राफ में, ये वो नोड बता रहा है, देखिए ये वाला। तो ये नोडल सरफेस है, देखो हमने ये यहाँ दिखाया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा ग्राफ ये किसका आया यहाँ, ये 3s का आया दोस्तों, 3s का। तो 3s में कितने नोड मिलेंगे, 2, यानी कि एक में से एक संख्या कम हो जाती है, जो संख्या यहाँ रहती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें से एक संख्या कम हो जाती है। तो देखिए इसमें 2 नोड है, देखिए ये 2 नोड हमने ये जो यहाँ दिखाए थे दोस्तों, ये इन्होंने क्या काम कर रखा था, यही वाला डायग्राम दोबारा पेस्ट कर रखा था, जबकि 3s में मिलेगे 2 नोड, उसमें दिखा रखा था 1 नोड। तो इसलिए मैंने ये फ्लूड से मिटवाया यहाँ से, और मिटोगे ये वाला जो डायग्राम था, देखें यहाँ पर इस वाले डायग्राम में आ जाइए, देखें यहाँ पर ये डायग्राम जो है यहाँ पर, देखें ये दिखाया, देखें यहाँ पर ये इसका डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा था, इसलिए मैंने इसे यहाँ से यहाँ दिखाया। देखो ये पहला नोड, तो ये वाला नोड, दूसरा नोड ये वाला, तो ये दूसरा यहाँ नोड प्राप्त हुआ। ये 3s के लिए है, n बराबर 3, l बराबर 0। तो जब 3 में से एक चला जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। तो ये हमें 3s का डायग्राम प्राप्त हुआ। अगर हम 1s का डायग्राम प्राप्त करेंगे तो हमें ये वाला डायग्राम प्राप्त होगा, बस केवल ये। और जब 2s का प्राप्त करेंगे तो बीच में नोड खाली स्थान देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी हमें, वो 2s का हो गया दोस्तों। अगर यदि हम 3s का प्राप्त करेंगे तो फिर बीच में रिक्त स्थान, फिर ये प्राप्त होगा। यदि हम 4s का करेंगे तो फिर बीच में रिक्त स्थान होगा, फिर प्राप्त होगा हमें। इस प्रकार से नोड्स लगातार बनते चले जाते हैं। तो ये तो हो गए रेडियल नोड्स। और ये देखिए ये है px ऑर्बिटल। px ऑर्बिटल में देखिए ये जो ये यहाँ पर है, ये प्लेनर नोड है, ये ऐसे ये यहाँ पर इनके बीच में ये ऐसा प्लेन बना हुआ है, ऐसे ये जेड एक्सिस की बिल्कुल सीध में यहाँ पर नोडल प्लेन है, ये यानी कि प्लेनर नोड है। यहाँ पर ऐसे देखो एक ऑर्बिटल हमने साइड से देखो ऐसे दिखाया है, यहाँ पे ये बीच में देखो जो प्लेन बना के दिखा रखा है हमने, ये क्या हो गया, ये नोडल प्लेन हो गया ये। फिर इसमें जेड वाली में हमने ये दिखाया यहाँ पे, ये नोडल प्लेन हो गया दोस्तों। ये इस प्रकार से हमने नोड्स दिखाने की कोशिश की है दोस्तों इनमें। तो ये वे स्थान है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की संभावना न्यूनतम रहती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और पी से अलावा देखो डी ऑर्बिटल होती है दोस्तों, देखिए ये डी ऑर्बिटल हो गई, देखिए दोस्तों ये डी ऑर्बिटल की है नी, ये भी पी ऑर्बिटल है दोस्तों, और डी ऑर्बिटल देखिए हमने ये बना रखी, देखो यहाँ पर ये है नी, यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल है, देखिए ये यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल है सारी सारी, ठीक है। इनमें कितना होता है, इनमें दो प्लेनर नोड पाए जाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें चित्र में दिखाया है। कैसे हो जाएगा देखिए, अगर मैं साधारण तरीके से दिखाने लग जाऊँ इसे चित्र को, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो ऐसे। तो एक प्लेन ये हो गया नोडल प्लेन, एक हो गया ये नोडल प्लेन। तो इसमें दो नोडल प्लेन मिलते हैं दोस्तों डी में। और इसमें तुम देखना केवल जो डी जेड स्क्वायर होता है, इसकी ऑर्बिटल ऐसे होती है, देखो ये ऐसे इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। बाकी सब डबल डंबल होती है, ये डबल डंबल नहीं होती दोस्तों। और देखे तो मैं और बता दूं मैं, ये दोस्तों एफ के ऑर्बिटल है, देखो ये थोड़ी थोड़ी जटिल होती है, ये थोड़ी टिपिकल होती है, इसलिए कागज के तले बनानी मुश्किल हो जाती है। जो किताब वाले ने तो बना रखी है, इसलिए हमने बना के तुम्हें दिखाने की कोशिश की है कि भाई तुम्हें मिल जाए। और ये सारे सारे वे एफ के ऑर्बिटल है, ये सारे सारे देखिए,
ये सब ये एफ के ऑर्बिटल है, एक दो तीन चार, ये दिखा देखो यहां पर, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात ऑर्बिटल है ये, ठीक है, एक एक दो तीन चार पांच छह और एक ये सात, ये सात ऑर्बिटल है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अपने टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर लेकर चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है दोस्तों 20-21 मिनट की वीडियो बन गई दोस्तों, इसमें ये टॉपिक पूरा नहीं होगा। इस क्वांटम नंबर को दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो गुड बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलती है तुरंत।